इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। एनएसयूआई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष विनय उरांव ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की है। कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष से मिलकर उन्होंने आभार जताया है। 24 साल में पहली बार किसी आदिवासी छात्र को कांग्रेस ने एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जल्द ही विधिवत पदभार ग्रहण करेंगे एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष। इस बीच एक और बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग शाम को 5:30 बजे आयोजित है। प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। अधिक जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता अमर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमर का एक बार रुख करते हैं। अमर, केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग है आज शाम 5:30 बजे, काफी उम्मीदें होती हैं लोगों को, और क्या कुछ उसमें खास होने वाला है इस बार? देखिए, 5:30 बजे प्रधानमंत्री के आवास पर यह केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होगी। कहा यह जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में जो कुछ डिसीजन लिए जा सकते हैं, ये एक सोर्सेज की ये खबरें हैं। और जो कई आपने देखा होगा कि कई ऐसे बिल थे जिस पर नहीं बात हो पाई, नहीं चर्चा हो पाई और सरकार जो है उसमें नहीं रख पाए, तो ये है। और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ ऐसे फैसले लेने वाले हैं इस कैबिनेट में पास करवाएंगे और जिसमें आम जनता से जुड़ी हुई मुद्दे होंगे। तो यही कहा जा रहा है कि कुछ अहम फैसले हैं जो आम जनता से जुड़े हैं, जिस पर 5:30 बजे कैबिनेट की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में फैसले लिए जा सकते हैं। बिल्कुल अमर, चलिए इस बैठक पर सबकी नजर होगी और क्या कुछ जनहित के मुद्दों पर फैसला होगा ये हम सभी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग आज देखिए 5:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होनी है और मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए जा सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।